कलेक्टर के आदेश अनुसार शहर को स्वच्छ बनाने एवं पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने का आदेश जारी किया गया है। जहां एक ओर शाजापुर को स्वच्छ बनाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कलेक्टर की मौजूदगी में दुकानदारों को समझाइश भी दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पॉलिथीन का उपयोग जोर शोर से चल रहा है। जब हमारे संवाददाता ने डॉक्टर निदारिया से इस विषय में बात की तो उन्होंने भी माना कि पॉलिथीन स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, जो कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है। उन्होंने यह भी कहा कि पॉलिथीन में तरल पदार्थ रखना भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, जो आगे चलकर कैंसर जैसी हानिकारक बीमारियों को पैदा करती है। नगरपालिका अध्यक्ष प्रेम जैन ने कहा कि पॉलिथीन की थैलियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का कार्य चल रहा है, लेकिन इस कार्य को पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा। हार्मफुल रहता है पॉलिथीन का यूज, काफ़ी रिएक्शन होती है, ऑलरेडी हार्मफुल है। और कई बार ये भी देखा गया है कि लिक्विड फॉर्म में पॉलिथीन में ही दिया जाता है, वो भी हानिकारक है। आगे चल के सर इसका क्या रिएक्शन हो सकता है? काफ़ी बीमारियों को जन्म देता है। नगरपालिका द्वारा कार्रवाई की जा रही है और आने वाले समय पर दुकानदारों को चेतावनी भी दे रहे हैं और उनको इन पॉलिथीन के उपयोग पर प्रतिबंध भी लगा रहे हैं। सर ये भी पाया गया है कि इस पॉलीथीन के कारण जो है कई जानवरों की मृत्यु हुई है। हाँ होती है ना, अगर खाते पीते हैं लोग फेंक देते हैं, कोई सामान सही डाल के फेंक देते हैं, खाने के बाद उनके गले में फंस जाती है, मृत्यु भी होती है। पर ऐसा कोई मामला भी शाजापुर में संज्ञान में नहीं आया। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शाजापुर से शब्बीर अत्तार की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।